टुडे वी विल डिस्कस द पॉसिबल कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन। हो सकता है कि जो मसल्स आपके रिब केज के आसपास है, अराउंड है, आपके थोरेक्स के आसपास है, उनके अंदर स्ट्रेन हो। आपके पेट का जो कंटेंट है वो आपकी फूड पाइप में या ईसोफेगस में आना शुरू होगा और उसकी वजह से आपको जलन महसूस होगी, जिसे आप कॉमन भाषा में एसिडिटी भी कहते हो। ऑस्टियोकोंड्राइटिस। हो सकता है कि आपके रिब केज की जो कार्टिलेजेस हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो। हायटल हर्निया में आपके पेट का कुछ पार्ट चेस्ट में आएगा, मतलब फुला होगा या प्रोट्रूड करेगा। खाना खाने के बाद स्टमक का जो अपर पार्ट है वो चेस्ट में प्रोट्रूशन की वजह से आपको टायर्डनेस और चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता है कि बहुत इंटेंस वॉमिटिंग करते हैं तो आपकी ईसोफेगस कहीं से ब्रेक आउट हो जाती है, टूट जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं जो टिश्यूज हैं, उसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन आपके चेस्ट में रह सकता है। पेरिकार्डाइटिस। अगर आपके हार्ट के आसपास वाले सैक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन इट मे कॉज सीवियर चेस्ट पेन।